हेलो एंड वेलकम टू खाना मुबारक। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा बेस्ट ऑफ रमज़ान 2024। बेंगलुरु के सभी एरियाज़ कवर करेंगे, शिवाजी नगर, फ्रेजर टाउन और कोरमंगला। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए खाना मुबारक और टैप करें बेल आइकन। जो हमारे नए दोस्त देख रहे हैं खाना मुबारक, मैं लाता हूँ आपके लिए फूड और ट्रैवल अपडेट्स। बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, गोवा सबकी वीडियोज़ लाता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो अभी हम लोग रमज़ान कवर कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट मस्ट ट्राई और ज़बरदस्त आइटम था मटन हलीम। तो ये फ्रेजर टाउन से हम शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा 14 बेस्ट आइटम्स, फूड आइटम्स ऑफ इस साल का जो बेंगलुरु रमज़ान के जो फूड आइटम्स थे सबसे बेस्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला मस्ट ट्राई था हलीम, तो वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और ये जो पूरा कवर कर रहे हैं हम, पहला फ्रेजर टाउन से शुरू करते हैं। तो इस साल आपको हलीम हर जगह मिलेगा, लेकिन हमको सबसे बेस्ट जो हमने ट्राई किया था वो सबसे बेस्ट था। तो सेवरी रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो फ्रेजर टाउन में और बाकी एरियाज़ में भी है। तो ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी आशरा चल रहा है, तो अभी भी आप जाकर इनके जायकों को लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये है वो हलीम जो है सेवरी रेस्टोरेंट का, बहुत ही अल्टीमेट और ज़बरदस्त था। मटन की जो रोस्टेड जो उसका जायका आ रहा था, मटन का जो मसाले थे ज़बरदस्त था, इट्स अ मस्ट ट्राई और सबसे बेहतरीन था। तो ये बेंगलुरु के रमज़ान के इस साल का हलीम सबसे बेस्ट आइटम था एट सेवरी रेस्टोरेंट। तो ये इनका पार्सल वाला डब्बा है जो इसके पहले आपने देखा, वो रेस्टोरेंट में आपको सर्व करते हैं। और सेकेंड जो हमने देखा वो था मटन निहारी, सो एक ज़बरदस्त बड़ी डेग में पका रहे थे मटन निहारी, और बहुत लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे थे। बड़े बड़े जो मटन के पीसीस जो नली होती है वो उसको ज़बरदस्त ग्रेवी में बनाकर उसको इंडियन ब्रेड के साथ सर्व कर रहे थे। तो ये कौन सा रेस्टोरेंट है, ये है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये है द डेग रेस्टोरेंट का जो है फ्रेजर टाउन में। यहाँ की जो मटन निहारी थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, और ये सवेरा है जो शिवाजी नगर में भी सवेरा है वो भी हम जाएंगे, और यहाँ पे समोसे और चाय मिलते हैं। और हमारा तीसरा आइटम है जामुन, जो बड़े बड़े जामुन आपको रमज़ान टाइम में स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। ये जो बड़े जामुन होते हैं जूसी और मीठे, तो ये चार मीनार जो रेस्टोरेंट है फ्रेजर टाउन में वहाँ का जायका है ये जो बड़े जामुन होते हैं। तो इनके साथ और बहुत सारी अलग ही स्वीट का काउंटर था जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। इनके हलीम्स बन रहे थे, हलीम्स जो मटन हलीम और चिकन हलीम, और यहाँ का जो आइटम बहुत ही मज़ेदार था वो था यहाँ के बफेलो मीट के चंक्स। तो वो है हमारा चौथा आइटम। तो ये बफेलो मीट के चंक्स भी बहुत अच्छे थे। तो जो साल भर आपको फाल बोल के जो बेंगलुरु में मिलती है, लेकिन उससे अलग था ये, कम मसाले वाला जो ग्रेवी लेस थी इसमें, और ये ऊपर सिवैयाँ जो बेंगलुरु फेमस सिवैयाँ हैं उसके साथ दी जा रही थी जो बीफ चंक्स, बफेलो मीट के चंक्स, ये भी बहुत ही अच्छी थी। दिस इज़ एट दी चार मीनार रेस्टोरेंट इन फ्रेजर टाउन। तो ये चार मीनार रेस्टोरेंट का जायका है बीफ चंक्स, और ये जो ड्रम वाला आइसक्रीम आपने देखा होगा फ्रेजर टाउन में, और ये जामुन का जायका भी बहुत ही अच्छा था। जो बड़े जामुन आपको स्पेसिफिकली फ्रेजर टाउन में आपको दिखेंगे, रमज़ान में भी आपको दिखेंगे, वन ऑफ द स्वीट डिशेस। और पांचवी चीज़ मैं बोलूँगा कि करामा रेस्टोरेंट का एक काउंटर था बिरयानी मेला, तो वहाँ पर लखनवी चिकन बिरयानी थी, अवधी मटन बिरयानी, और फुल लैम्ब की मंदी थी जहाँ पर रश पड़ी थी बहुत ज़बरदस्त। जो लोग हैं वो बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। इन तीनों बिरयानी का बिरयानी मेला लगा था करामा रेस्टोरेंट के काउंटर में। तो ये था फ्रेजर टाउन के जायके की मैं जो दिखा रहा हूँ। तो जो फ्रेजर टाउन है वो फेमस है, यहाँ का मॉस्क रोड बहुत फेमस है। यहाँ पे देखिए ये मॉस्क रोड है जहाँ पे सभी आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो अभी आते हैं शिवाजी नगर की तरफ। तो ये शिवाजी नगर की एरिया है, और शिवाजी नगर में पत्थर का गोश्त तो पूरा छाया हुआ था हर तरफ। यहाँ पे देखिए पत्थर का गोश्त हमारा सिक्स आइटम है इस साल रमज़ान बेंगलुरु 2024 का। आपको बहुत सारे और कोरमंगला, शिवाजी नगर और फ्रेजर टाउन तीनों जगह आपको मिलेगा ये। आपको हर एक रमज़ान फूड मेला बेंगलुरु में आपको मिलेगा पत्थर का गोश्त, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा होता है। और सातवां हमारा है कीमा समोसा, जो कि बेंगलुरु का स्टार आइटम है रमज़ान का। हर जगह आपको मिलेगा, सबसे कॉमन आइटम है कीमा समोसा। और जो आठवीं आइटम है, जो एट्थ आइटम मैं दिखाऊंगा आपको, वो साल भर मिलती है, और वो है बेंगलुरु का अफलातून। आपने मुंबई का अफलातून सुना होगा, लेकिन ये टोटली अलग होता है, और खाने में भी इसको मज़ा आता है, मस्त होता है। अगर आप शिवाजी नगर जाते हैं कभी, तो वहाँ के मिठाई के दुकानों में आप पूछिएगा अफलातून है क्या, अगर है तो आप ज़रूर ट्राई करें, नेवर मिस दिस बेंगलुरु अफलातून। बहुत ही ज़बरदस्त होता है, एक यूनिक टेस्ट होता है। और ये जो फेनी, जो नॉर्थ इंडियन और एशिया की एक पॉपुलर रमज़ान आइटम है फेनी, जो दूध में डालकर खाते हैं, सो दिस वॉज द सीन एट शिवाजी नगर। एक अलग ही कंप्लीट जायके थे, और जो कॉमन आइटम्स भी थे, जो
आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये आखिरी आशा चल रहा है रमज़ान का। रमज़ान इबादत का महीना है, इबादत भी करिए, नमाज़ें पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करिए और खाने का भी लुत्फ़ उठाइए, दुआएं भी करें। तो अब आते हैं सवेरा टी सेंटर। तो ये एक चाय का फेमस दुकान है शिवाजी नगर में, ये 40-50 साल से है। मैंने इनको पूछा और यहाँ के समोसे भी ओके थे, लेकिन यहाँ की चाय इज़ द नेक्स्ट बेस्ट आइटम, जो 9th नंबर पे है सवेरा की चाय। तो ये भी आपको साल भर मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त होती है। यू शुड ट्राई वन ऑफ द बेस्ट चाय और टी इन बेंगलोर इज़ द सवेरा चाय ऑफ शिवाजी नगर। तो ये शिवाजी नगर के पूरे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे भी आपको अलग अलग मुख्तलिफ जायके मिलेंगे, मटन चिकन और बफेलो मीट के बहुत सारे जायके, तो आप ट्राई कर सकते हैं। शिवाजी नगर में भी आपको बहुत रश भी मिलेगा, क्योंकि शिवाजी नगर में बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स हैं, कपड़े के मार्केट्स हैं, तो अपनी रमज़ान शॉपिंग, ईद की शॉपिंग भी आप कर सकते हैं साथ ही साथ। तो ये है शिवाजी नगर का फेमस एरिया, जहाँ पे आपको क्लॉक टावर, दरगाह और राइट साइड में रसल मार्केट है। तो ये था शिवाजी नगर के जायके। तो अब चले चलते हैं, देखते हैं कि कोरमंगला में क्या क्या एक यूनिक और नए मस्त जायके थे। तो कोरमंगला में भी इस बार बहुत ही लार्ज स्केल पे शुरू हुआ है और चल रहा है रमज़ान फूड मेला। तो आपको यहाँ पे भी पत्थर का गोश्त मिलेगा, और यहाँ पे कुछ आइटम्स थे जो मुझे यूनिक लगे, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अलग स्वीट्स के एक अलग काउंटर्स थे, और कबाब्स के काउंटर्स थे, आपको क्वेल यानी कि जो तीतर है उसका भी गोश्त मिलेगा, रैबिट का भी मैंने यहाँ पे देखा, कैमल मीट था, बफेलो मीट था, चिकन मटन था। तो ये यहाँ के आइटम था। और यहाँ पे भी आपको अफलातून, जो बेंगलोर का अफलातून है, यहाँ पे भी मुझे दिखा, और यहाँ हलीम भी था, बिरयानी थी, और साथ ही साथ जो मोहब्बत का शरबत के काउंटर्स लगे हुए थे, जो इन द लास्ट 2-3 ईयर्स मैंने देखे हैं, जो दिल्ली मुंबई का मोहब्बत का शरबत का जो आइटम होता है, वो बेंगलोर में भी आपको एक दो साल से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पत्थर के गोश्त को भी सीखा जा रहा था, और ये वेरी करेगा हर जगह पत्थर का गोश्त, क्योंकि उसकी जो मीट के स्लाइसिस के ऊपर वेरी करेगा, कुछ लोग उसको थिक रखते हैं, कुछ लोग थिन रखते हैं। और ये देखिए मोहब्बत का शरबत विद लॉट्स ऑफ आइस क्यूब्स, और सी फूड के बहुत सारे आइटम्स थे, फ़िश फिंगर चिप्स थे, फ़िश पॉपकॉर्न थे, और बहुत सारे प्रॉन्स के आइटम थे, और आपको और नवा आइटम है हमारा मटन चॉप्स, जो मटन को तवे पर उसके ग्रेवी के साथ उसको भुना जा रहा था, पकाया जा रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको दिया जा रहा था। और ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया पत्थर का गोश्त, ये वेरी करता है, कुछ लोग उसको पीसेस बड़े रखते हैं, कुछ लोग पतले रखते हैं। तो ये काइंड ऑफ पत्थर का गोश्त और चॉप्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और लॉट्स ऑफ फिश आइटम्स, वेराइटी ऑफ फिशेस आपको मिलेंगे, ये कोरमंगला का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो हमारा 10वां आइटम है स्टेक्स, मैंने पहली बार रमज़ान में स्टेक्स देखे, कैमल मीट और बफेलो मीट के। तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े मैरिनेटेड, जो सॉसेस और जूसेस में मैरिनेटेड किए गए बड़े बड़े मीट के पीसेस को स्टेक बनाकर कोरमंगला में दिए जा रहे थे। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन स्टेक्स इन रमज़ान फूड मेला। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पीसेस को मैरिनेट करके सॉसेस में, जूसेस में, उसको तवे पर उसको एकदम भुना जा रहा था। दैट वॉज द 10th आइटम, और कोरमंगला में बहुत बड़ी स्केल पे हुआ है, और हर एक आइटम मिलेगा आपको, जो वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, और स्वीट टूथ जिनका है, जो मीठा पसंद करते हैं। जो कोरमंगला का रमज़ान फूड मेला है इस बार, वो आपको मिलेगा जो एम्पायर रेस्टोरेंट है कोरमंगला में, वहाँ पे वहाँ से शुरू होता है। और पत्थर के गोश्त के बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी आपको मिलेंगे, कुछ लोग उसको पतला स्लाइसिस करके रखे हैं, कुछ उसके पीसेस काट कर उसको पत्थर का गोश्त पत्थर पे भूनते हैं। तो यहाँ पे आपको कैमल मीट भी मिलेगा कुछ जगह जहाँ पे प्रिपरेशन उसके चल रहे हैं। और ये कोरमंगला का फूड मेला है रमज़ान का, जो एम्पायर से स्टार्ट होकर जो मैकडी है आगे वहाँ तक का पूरा लगा है, बहुत लास्ट स्केल पे, और बहुत ज़्यादा रश थी, और मटन के और बफेलो मीट के तवे पे बहुत सारे आइटम्स बन रहे थे, नॉनवेज के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त आइटम थे यहाँ पे, और वेज के लिए भी बहुत सारे थे, और स्वीट्स के भी अलग अलग थे। तो हमारा अगला आइटम भी वन ऑफ दैट स्वीट है जो हमने ट्राई किया और बहुत ही यूनिक था इस साल का, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे देखिए पत्थर का गोश्त बहुत लोग ट्राई भी कर रहे थे, और देर आर मैनी काउंटर्स ऑफ पत्थर का गोश्त। तो आपको अगर ट्राई करना है तो आप जा सकते हैं फेजर टाउन, शिवाजी नगर या कोरमंगला रमज़ान फूड मेला में, आपको तीनों जगह मिलेगा, अलॉन्ग विद दी जो समोसा होता है, जो स्टार आइटम होता है बेंगलोर रमज़ान का, और फ़िश के बहुत सारे आइटम्स, इवन फॉर सी फूड लवर्स, यहाँ पे फ़िश के बहुत सारे वैरायटीज़ भी थे और आइटम्स भी थे, चिकन के बहुत सारे आइटम्स थे,
और अलग से एक स्वीट के कंप्लीट अलग काउंटर ही लगे थे, तो वो हम नेक्स्ट जाएंगे स्वीट के काउंटर पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा अगला आइटम वहीं पे है। जो हमारा 11th आइटम है वो है कश्मीर का स्वीट, कश्मीर का एक फेमस स्वीट, तो वो आपको दिखाऊंगा, जो हमारा है 11th आइटम ऑफ दी रमज़ान इन बेंगलुरु 2024, जो रमज़ान स्ट्रीट फूड होता है इफ्तार का, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फूड ऑफ दिस ईयर 2024। तो ये है बकर खानी, जो हमारा 11th स्पॉट पे है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था, ये मैदे से बनता है और इसके अंदर खवा होता है, कंडेंस मिल्क होता है, और जब ये सर्व करते हैं तो ऊपर से एक अलग खीर टाइप की होती है जो कंडेंस मिल्क से भी बनती है, वो आपको ऊपर से लगा कर देते हैं। और ये जो बकर खानी अपने आप में एक ब्रेड जैसा होता है, जो स्वीट ब्रेड मैदा केसर से बनता है, उसके ऊपर कंडेंस मिल्क का एक ऊपर लेयर डालते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था बकर खानी, विच वॉज़ दी 11th आइटम विच वॉज़ बींग सर्वड एट दी कोरमंगला रमज़ान फूड मेला। और मटन मलाई कोफ्ता भी मैंने देखा, बहुत ज़बरदस्त स्केल पे बना रहे थे कोरमंगला में। 12th आइटम हमारा है मटन मलाई कोफ्ता, इसको आप वो सर्व कर रहे थे इंडियन ब्रेड, जो शीरमल और जो चपाती रोटी होती है उसके साथ सर्व कर रहे थे। और ये कीमा रोटी के बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे आपको चिकन और मटन के, और आपको हर एक नॉनवेज फूड आइटम मिलेगा रमज़ान मेला में इन बेंगलुरु 2024। तो फ़िश के आइटम से अलग से हैं और बहुत सारी वैरायटीज़, हर एक काउंटर का अलग अलग। हलीम काउंटर भी है जहाँ पे हलीम सर्व की जा रही थी, लेकिन हमारा जो हलीम का एक्सपीरियंस था फेजर टाउन में सेवरी रेस्टोरेंट में अल्टीमेट था। और 13th आइटम हमारा ऐसा है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चपली कबाब भी रमज़ान फूड मेला बेंगलोर में डिस्प्ले किया गया होगा। और ये बना रहे थे, बनाकर सेल भी कर रहे थे, मस्त तरीके से देख रहे थे, लेकिन मैंने जब जितना सुना है चपली कबाब के बारे में, ये मुँह में घुल जाने वाला होता है, तो मुझे हमने ट्राई नहीं किया ये कैसा होगा, लेकिन आई वॉज सरप्राइज्ड सीइंग दिस फूड आइटम एट दी रमज़ान फूड मेला इन बेंगलुरु 2024। दिस इज़ ए चपली कबाब, एक नॉर्थ इंडिया जो एशियन डिश है, एक अलग ही तरीके से बनती है, खासकर बफेलो मीट से बनती है, और उसका बनाने का तरीका भी एकदम बहुत ही वर्क इंटेंसिव होता है। और यहाँ पे देखिए पत्थर का गोश्त बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया पत्थर का गोश्त आपको बहुत मिलेगा। और यहाँ पे चिकन की वैरायटी भी थी तवे वाली, तवे के मसाले में चिकन को भून कर दिया जा रहा था। दिस इज़ एट दी कोरमंगला, एंड लॉट्स ऑफ कीमा पाव भी मिलेगा आपको, जो फाल और जो शीख जो पूरे साल भर बेंगलुरु में मिलते हैं वो भी, उसके भी काउंटर्स थे। चिकन के अलग अलग आइटम्स थे, जो पत्थर के गोश्त के पत्थर के ऊपर भी चिकन के आइटम्स कुछ बनाए जा रहे थे, और स्वीट के तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस थे। सो दिस वाज अ कंप्लीट, सो द रमज़ान फूड मेला इन बेंगलुरु 2024 हैज़ ऑल द थिंग्स फॉर एवरीवन, स्वीट्स नॉन वेज वेज बहुत सारे आइटम्स थे। तो ये है रमज़ान का फूड मेला, अब इस वक्त आप देख रहे हैं कोरमंगला का। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके टैप करिए बेल आइकन। और हमको कावा भी देखने को मिला, तो 14th आइटम है कश्मीरी कावा, जो इनके एक ट्रेडिशनल एपरेटस जो होता है इसमें बनाते हैं, बीच में एक कोयला रखते हैं और इसके चारों तरफ यहाँ पे देखे पानी में पूरे इंग्रीडियंट्स को उबालते हैं, तो ये कावा बनता है इस तरीके से, बीच में जो हीट की वजह से पानी उबलता है और इस पानी में आपको केसर और बहुत सारी चीज़ें डालकर कावा रेडी किया जाता है। और देयर आर लॉट्स ऑफ टी ऑप्शंस ऑल्सो, और जूसेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। कोरमंगला का जो रमज़ान फूड मेला था, इट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज इन अ वेरी प्रॉपर वे, द मोमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल वाज आल्सो मैनेज वेरी एफिशिएंटली। और यहाँ पे देखिए हरीरा बन रहा है गर्मा गर्म, और यहाँ पे हरीरा में के बहुत ही पतला हरीरा होता है लेकिन अच्छा होता है, और कुछ जगह गाढ़ा होता है जो एकदम उसकी कंसिस्टेंसी अलग होती है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे पत्थर के गोश्त से बहुत सारे वैरायटी थे, और ये बिरयानी, ये रेगुलर बिरयानी है बेंगलुरु की, जो अंबूर स्टाइल बिरयानी होती है। और इसके पहले जो हमने फेजर टाउन में देखा बिरयानी मिला, वहाँ पे तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल के लखनवी और अवधी बिरयानी थे, और जो तवे पे आइटम्स थे बहुत सारे वैरायटी ऑफ कीमा फील्ड जो पराठा होता है चिकन का, मटन का कीमा, और सीख्स थे बहुत सारे। सो दिस वॉज अ कम्प्लीट 70% एक नॉनवेज बोलूँगा मैं आपको, और लेकिन सबके लिए सब कुछ था, वेजिटेरियन के आइटम्स भी थे, स्वीट के तो बहुत सारे आइटम्स थे, और ये कीमा पाव है, बट कीमा पाव का पाव बड़ा दिख रहा था मुझे, तो दिस वॉज दी एट कोरमंगला। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है मुझे बताने चला, सो आई थिंक इट्स चॉकलेट मेल्टिंग, और ये वेराइटीज़ ऑफ पान एट दी एम्पायर
रेस्टोरेंट इन कोरमंगला। तो इनके पान की बहुत सारी वैरायटीज़ है इनके पास, सो यू कैन ट्राई वेन एवर यू गो टू एम्पायर रेस्टोरेंट इन कोरमंगला। तो ये है कोरमंगला का फूड का रमज़ान फूड मेला 2024। तो आप जो मैंने आपको दिखाया फेजेटाउन, शिवाजी नगर और कोरमंगला, आप जा सकते हैं अगर आपको फूड एक्सपीरियंस करना है, कंप्लीट फूड एक्सपीरियंस एट दी रमज़ान फूड मेला 2024। तो ये एम्पायर की रेस्टोरेंट की एरिया है। तो हमें ज़रूर पता है कैसा लगा आपको वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, खाना मुबारक, खुदा हाफिज़।